मैं सिर्फ क्लच रिलीज करूंगा, एक्सीलेटर से मेरा पांव हटा हुआ है और गाड़ी आपकी बड़े स्मूथ तरीके से उठ जाती है। और गियर तो भाई इतने स्मूथ है गाड़ी के जिसकी कोई हद नहीं भाई। यही बात है मारुति की जो कार है ना वो सीएनजी के अंदर काफी ज्यादा कंपेटेबल होती है। थोड़ा सा खाली हमें पैच मिले, भाई साहब खींचने में तो कोई कमी नहीं है गाड़ी में। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। ये खड़ी हमारे सामने मारुति सुजुकी की इग्निस BS6 फेस 2 वाली गाड़ी है। इस गाड़ी का मैंने पहले भी अपने चैनल पर ड्राइव रिव्यू करा है, भाई का मैंने ओनरशिप रिव्यू शेयर करा है, योगी भाई की बेसिकली हमारी ये कार है। बट इसके अंदर अब थोड़ा सा एक डिफरेंस आ चुका है, वो है इस कार के अंदर आपकी जो CNG है वो इंस्टॉल हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। एक बार इंजन पे भी मैं आपको इस कार का दिखा देता हूँ कि कैसी कुछ इंस्टॉलेशन हमारी इस कार के अंदर आपकी हुई है। इंस्टॉलेशन आप देख ले भाई, बिल्कुल क्लीन है, काफी बढ़िया है। फिर से बता रहा हूँ भाई, BS6 फेस 2 वाली इग्निस है। इसके अंदर आपका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, 82 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क आता है। CNG पे हमारे पास पावर स्पेक्स नहीं है क्योंकि भाई आफ्टर मार्केट CNG आपकी इंस्टॉल हो रखी है, देख सकते हो आप लोग। तो अब इस कार को भाई ड्राइव करके देखने वाले हैं। एक बार बूट और मैं आपको दिखा दूं भाई, बूट के अंदर कैसा कुछ स्पेस वगैरह आपका बच जाता है CNG लगने के बाद। ये देख सकते हो भाई कुछ इस प्रकार का इसका जो स्टेपनी है वो आपकी खड़ी है। CNG का जो सिलेंडर आपका यहाँ पे है 12 किलो का, मेरे हिसाब से इसके अंदर आपका सिलेंडर है 12 जन 14 है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, बट हाँ इस प्रकार की इसके अंदर फिटिंग है भाई, काफ़ी क्लीन लगी मेरे को। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई आज के इस ड्राइव रिव्यू को। आज का जो हमारा ड्राइव रिव्यू है वो बेसिकली ओरिएंटेड रहने वाला है हमारा CNG के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली कार के अंदर आपकी आफ्टर मार्केट CNG लगी है और BS6 फेस 2 वाली कार के अंदर कैसा कुछ परफॉर्म करती है। स्टार्ट हो चुकी है हमारी कार इस समय और अभी हमारी कार भाई पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा मैं रेव करूंगा, CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है। CNG पे डलने के बाद गाड़ी के अंदर आपकी थोड़ी सी जो इंजेक्टर्स की नॉइज़ है वो आने लगती है। सीट बेल्ट फर्स्ट है भाई, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। CNG पे कार हमारी, AC भी ऑन कर देते लोड हमारा बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ क्लच रिलीज करूँगा, एक्सीलेटर से मेरा पाँव हटा हुआ है और गाड़ी आपकी बड़े स्मूथ तरीके से उठ जाती है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा भाई, इसके अंदर आपका कोई भी चेक लाइट वगैरह नहीं आ रही, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। मैं थोड़ा सा ना मिरर को और सेट कर लूँ, ठीक है भाई अब स्टार्ट करते हैं। चलो जी, तो सिर्फ क्लच पे आपकी जो कार है भाई प्रॉपर तरीके से उठ जाती है। स्टेयरिंग की बात करें भाई, रीसेंटर वगैरह बढ़िया तरीके से हो रहा है, जो आपकी और मारुति की कार साथी उनकी तरह नहीं है, रीसेंटर वगैरह सही तरीके से आपका स्टीयरिंग जो है वो हो जाता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस कार की वो हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मेजरली जो हमारा यहाँ पे जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा भाई एक हाईवे रन का, हाईवे पे मैं चला के देखूंगा कैसे कुछ गाड़ी की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। इसी के साथ आप लोग अब इस कार का भाई स्टीयरिंग फीडबैक भी देख लेना। ड्यूअल हॉर्न है गाड़ी के अंदर, ये देख लो भाई स्टीयरिंग अच्छे तरीके से आपका रीसेंटर हो जाता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आपको इसके अंदर मिलते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस कार के अंदर आपको कोई भी एडवांसर वगैरह नहीं है, मतलब एडवांसर भाई ने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कराया। यार गाड़ी बढ़िया चल रही है यार, मतलब मैं एज ए वैगन आर ओनर बताऊँ, मेरे पास कंपनी फिटेड CNG वाली वैगन आर है, उसके अंदर आपका 1000 cc का इंजन आता है, इसके अंदर आपका 1200 cc का इंजन है और भाई बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त चल रही है। हल्के पंजे से चला रहा हूँ मैं गाड़ी को एकदम और बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी पुल कर रही है। थोड़ा सा जाम से और निकलते हैं भाई और फिर आगे आपको दिखाता हूँ भाई कैसी कुछ परफॉर्मेंस निकल के आएगी गाड़ी की। अभी तो फिलहाल भाई रेड लाइट हो गई है। ब्रेकिंग की बात करें भाई, ब्रेकिंग भी अच्छी है गाड़ी की और गियर तो भाई इतने स्मूथ हैं गाड़ी के जिसकी कोई हद नहीं भाई। एक फिंगर से आप इसके जो गियर से उनको स्लॉट कर सकते हो, ये देखो एक मेरे को जो थोड़ी सी दिक्कत फील हो रही है, आप पता नहीं भाई मेरे को लग रही है या क्या है भाई, इसके ना RPM फ्लक्चुएट कर रहे हैं, देखो ना आप लोग नोटिस करोगे भाई RPM इसके ना ऊपर नीचे जा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, AC एक बार अगर हम ऑफ करें, भाई विदाउट AC तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, AC मैंने ऑन करा, AC ऑन करने के बाद भाई इसके जो RPM है थोड़े से ऊपर नीचे मेरे को लग रहे हैं माइनर से। चलो खैर ये तो भाई नॉर्मल बिहेवियर होता है क्योंकि मेरी कार के अंदर RPM मीटर नहीं, तो हो सकता है मेरे को आदत ना हो, क्योंकि कंप्रेसर का जब आपका लोड पड़ता है तो आपके जो RPM से वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार।
अब देखो वही फर्क है यार, थ्री सिलेंडर और फोर सिलेंडर में उठने में यार बढ़िया है। थ्री सिलेंडर में बात कर रहा था कि थ्री सिलेंडर और फोर सिलेंडर में आपका जो फर्क है वो क्लियर दिख जाता है जब आप गाड़ी को पिक करते हो। उस समय पे आपको दिखेगा कि गाड़ी जो है आपकी भाई काफी स्मूथ तरीके से पिक होती है, जो आपकी थ्री सिलेंडर फोर सिलेंडर वाली गाड़ी है। और इसके अंदर एक बेनिफिट ये भी होता है, जो आपका फोर सिलेंडर इंजन होता है वो हायर स्पीड्स पे भी कम आरपीएम पे रहता है, तो उससे आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा मेंटेन रहती है। थोड़ा सा ना गाड़ी को पुल करके देखेंगे जब हमें खाली पैच मिलेगा, क्योंकि हर दो कदम पे भाई यहाँ पे ना दिक्कत है ही। अभी फोर्थ गियर में है गाड़ी, 40 की स्पीड थी और बड़े इजीली पिक हो रही है। सीएनजी पे है, एसी ऑन है, फिर से दिखाए तो देख लिया भाई। तो गाड़ी भाई नो डाउट पे बहुत अच्छी गाड़ी, और सीएनजी पे होने के बावजूद भी भाई कटिंग वगैरह में इजीली कर पा रहा हूँ। वैसे तो ये गाड़ी आपकी स्टेबल थी पहले भी, लेकिन सीएनजी लगने के बाद इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो और भी ज़्यादा कंटेंट हो गया है, तो उस वजह से इस कार का जो एक हम बात कर रहे थे जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इस वीडियो को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आपके हाथ में 7 लाख रुपये हैं और आप एक गाड़ी प्लान कर रहे हैं, एक फैमिली कार जो आपकी स्मूथ हो, रिलायबल हो, पार्ट्स वगैरह इजीली मिल जाए, तो देखो रिलायबिलिटी के मामले में तो देखो मारुति सुपर कोई है नहीं। और वैसे भी बात करें ना अगर हम गाड़ी की परफॉर्मेंस की, भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी सीएनजी पे चल रही है, फिर से बता रहा हूँ कोई भी चेकलेट वगैरह नहीं है, आफ्टर मार्केट सीएनजी भाई ने लगवा रखी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है यार। यही बात है, मारुति की जो कार्स है ना वो सीएनजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल होती हैं। अब ये देखो क्या निकलती है भाई यार, और 15 इंची के इसके अंदर आपके भाई ने अलॉय लगवा रखे हैं, 195/60 R15 की प्रोफाइल है भाई, बहुत बढ़िया। अलॉयज के साथ इस कार की जो स्टेबिलिटी है और भी ज़्यादा बेटर है यार। अब देखो ना कॉर्नरिंग कर रहा हूँ भाई, काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉर्नरिंग कर लेती है गाड़ी आपकी। अब हमें नीचे जाके यू टर्न लेना पड़ेगा, तो चलते हैं भाई। अभी पीछे ना जैसे इसके अंदर क्या है, आपका एंगल वाला स्टैंड लगा हुआ है सीएनजी का, तो उस वजह से थोड़ी सी इसके अंदर टक 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 की आवाज़ बन रही है। तो खैर वो कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, वो तो भाई जो योगेश भाई हैं उनको मैंने जब बात करी थी उनसे तो वो बता रहे थे कि इसके अंदर वो आपका जो पाइप वाला स्टैंड होता है उसको इंस्टॉल कराएंगे। अब ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग अच्छी है, सस्पेंशन हमारी गाड़ी के जो है ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा स्टिफ है। और बाकी भाई ये जो आई पॉप है ना, ये जो छोटे वाले भाई ये तो फिर भी बढ़िया है, जो आपके बड़े वाले आते हैं ना उनको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उनको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराओ। स्टेयरिंग फीडबैक देखो, जो कहते हैं ना कि भाई मारुति की कार्स का जो स्टेयरिंग है वो रीसेंटर नहीं होता है, तो वो देख लो भाई ये उनके लिए जवाब था, स्टेयरिंग प्रॉपर तरीके से रीसेंटर आपका हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि भाई आपकी जो गाड़ी है कम स्पीड पे भी हायर गियर में मतलब पुल वगैरह करती है या नहीं। चौथा डाल दिया मैंने, 40 की स्पीड है, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही ना, बिल्कुल 1% की इसके अंदर वाइब्रेशन है। वैगनआर के बाद मैं इस पे शिफ्ट हुआ भाई, बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी मेरे को अप मार्केट से लग रहा है इसका जो, चाहे आप डैशबोर्ड की बात करें, चाहे हम मतलब इंटीरियर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी तो चलो मारुति की एक सी होती है, बट हाँ ये आपका ग्लोबल प्रोडक्ट है, तो भाई इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेटर ही मिलने वाली है। मैंने 5वां गियर डाल दिया भाई, फिर से देखो भाई गियर शिफ्टिंग क्या स्मूथ है भाई इसकी, 40 की स्पीड पे है और भाई अब भी 1% की वाइब्रेशन नहीं। मैं चाहूँ तो भाई इतनी ही स्पीड मेंटेन करके इस गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ और इससे 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ले सकता हूँ, सॉरी 50 किलोमीटर पर kg की, कह रहे तो मजाक की बातें थी, बट हाँ भाई बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही। और अगर मैं इसको पुल करना चाहूँ किसी भी स्पीड पे, भाई बढ़िया पुल कर रही है, मेरे को नहीं लग रहा भाई इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी में कोई डिफरेंस है। वन टैप पे भाई पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई है, हाँ भाई देखो पेट्रोल पे डालती मेरे को थोड़ा सा, तो देखो थोड़ा तो नहीं मतलब हाँ 19-20 का डिफरेंस फील हो रहा है, बट वहीं अगर हम इसको दोबारा सीएनजी पे शिफ्ट करें, वन टैप में सीएनजी पे आ चुकी है, तो यार देखो 19-20 का अंतर है। बट वहीं अगर हम बात करें ना जो गाड़ी का आपको एक रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट जो आपको भाई इस गाड़ी की मिलती है ना सीएनजी पे और पेट्रोल पे, उनमें डिफरेंसेस भी तो हैं, तो वो 19-20 का जो आपका डिफरेंस है वो वहाँ पे आपका पूरा हो जाता है। तो आपके अगर यार 2 पैसे बच रहे होंगे तो आप भी सोचोगे कि आप सीएनजी के ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर लें। तो भाई ने इस गाड़ी के अंदर भाई जो सीएनजी लगवाई है वो है मोटोसेन की किट, और भाई को इसकी जो कॉस्टिंग है मतलब आरसी इंश्योरेंस में आपकी प्रॉपर तरीके से एंडोर्स हो चुकी है, BS6 फेज 2 वाली आपकी ये कार है, तो उसकी भाई को कॉस्टिंग पड़ी थी लगभग भाई 40,000 के आसपास, ऑन डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा सा गाड़ी को भाई एक बार पुल करके देखते हैं, AC मैंने कर दिया गाड़ी का ऑफ, थोड़ा सा खाली हमें पैच मिले। Thank you.
भाई साहब खींचने में तो कोई कमी नहीं है गाड़ी में, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकाल के दे रही है गाड़ी हमारी। तो परफॉर्मेंस भाई देखो मेरे को ऐसे जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही, मेरे को तो गाड़ी भाई A1 परफॉर्म करते हुए दिख रही है। और आफ्टर ड्राइविंग वैगनआर, मतलब मैं वैगनआर को ओन करता हूँ, LXI CNG है मेरी, BS6 Phase 1 है, डुअल जेट वाली। इसको ड्राइव करने के बाद भाई मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि भाई एक 4 सिलेंडर इंजन है उसके अंदर आपको काफ़ी बेटर रिफाइनमेंट फील होती है। एक जो स्मूदनेस है 4 सिलेंडर इंजन की ना, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही होती है। कटिंग वगैरह तो खैर कर ही लेती, बॉडी रोल वगैरह जैसी समस्या आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी जो आपको वैगन आर के अंदर फील होती है। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। अब एक बार यू टर्न लेके मैं आपको इस कार का एक स्टीयरिंग फीडबैक और दिखा दूं दोबारा। यार ये चीज़ तो है, मतलब यार देखो मारुति की जो कार्स है ना, मैंने नियोस रखी, मैंने उसके अंदर आफ्टर मार्केट CNG लगवाई थी, बट जो मारुति की कार्स के अंदर एक CNG की कंपेटिबिलिटी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। अब सेकंड गियर में मैंने यू टर्न लिया, और ऐसा नहीं है भाई आफ्टर मार्केट लगने के बाद CNG के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई झटके वगैरह मार रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत स्मूथ तरीके से परफॉर्म कर रही है और माइलेज भी बहुत अच्छी दे रही है। अगर मैं आपको अभी रफली बताऊं तो भाई ये गाड़ी आपको इजीली लोकल के अंदर भाई, मतलब जो योगेश भाई हैं उनको इजीली लोकल के अंदर भाई 28, 29, 30 तक भी एवरेज दे रही है। और अगर हम हाईवे की बात करें, भाई ने 35+ का एवरेज निकाला है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो कोई नहीं भाइयों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने इस इग्निस को ड्राइव करके देखा है, CNG के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ, और AC को भी ऑन कर दिया भाई। ऐसा सच कोई भी मेरे को पावर का लैग नहीं लग रहा, काफ़ी स्मूथ तरीके से गाड़ी हमारी ड्राइव हो रही है। और गाड़ी के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, पावर एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये कार है भाई योगेश भाई की YD कार्स रिव्यू। अगर इस कार के रिगार्डिंग आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भाई के चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी इस कार का मैंने भी एक ड्राइव रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू सारा कुछ शेयर कर रखा है पहले, CNG लगने से पहले भी, उसको आप जाके जरूर देखें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड जय हिंद।